कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणा माना जा रहा है इसे, अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले और हाल ही में अब जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो उससे पहले ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है शिवराज सिंह चौहान का। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को अब केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 अप्रैल से ये लागू भी हो जाएगा, 1 अप्रैल से इसका भुगतान भी शुरू हो जाएगा। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्यों आखिरकार ये महंगाई भत्ता अब तक नहीं बढ़ पाया था, एक बार वो सुनिए। कोरोना की कड़की के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वो हम कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा के 31% किया जाएगा और ये अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। खासतौर से अगर देखा जाए तो लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर के उन्होंने बातें की। सफाई कर्मचारियों को 150 रुपए जोखिम भत्ता देने का ऐलान उन्होंने कर दिया। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जो रेटिंग आएगी शहरों की, उस रेटिंग के बराबर पैसे उतने 1000 रुपए देने की घोषणा भी, नगद पुरस्कार देने की घोषणा सफाई कर्मचारियों को उन्होंने की। लेकिन ये एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है। लाखों शासकीय कर्मचारी है मध्य प्रदेश में जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता जब बढ़ता था तो उसका लाभ अब तक तो सरकार मध्य प्रदेश में भी देती आई थी, लेकिन बीते 2 सालों से अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर राज्य सरकार नहीं दे पा रही थी और इसकी वजह से शासकीय कर्मचारियों में रोष था। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद शासकीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। माना जा रहा है कि इसका व्यापक असर आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश में जरूर देखने को मिलेगा।